हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियो अपडेट। तो कैसे हैं आप लोग? आनंद आ रहा है आपको एलजेब्रा पढ़ने में या नहीं? फीडबैक देते रहिए, ठीक है आप लोग? और हाँ, आई थिंक हमने स्टार्ट किया था यूनिट टू एलजेब्रा, है ना, जिसमें कितने लेक्चर कंप्लीट हो गए थे? आई थिंक दो। हमने रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन एंड फंक्शन तो नहीं था, सिर्फ रिलेशन था। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है ना। इसमें डर बहुत लगता है। ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एन, दिस इज अ पावरफुल वेपर, है ना, एंड डिवाइड से माइनस बी। इसी को सब कुछ प्रूव करना होता था, क्लियर है ना। अब आज स्टार्ट होगा आपका अलजेब्रा, जिसे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, सब ग्रुप, और जो लास्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2 है, थ्योरी ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। आ जाओ, चैप्टर 2 आपको इसमें पढ़ना है, थ्योरी ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग अच्छे से कर लिए ना, आपको मजा आ जाएगा। देखो, अलजेब्रा आपको सबको कठिन लगती है, टफ लगती है, लेकिन पढ़ने में मजा सबको अलजेब्रा में ही आता है ना। तो अब इसको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे होगा कि हमको पढ़ना है ग्रुप, तो ग्रुप से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेशन क्या हो। ऑपरेशन वो मेडिकल वाला नहीं, ठीक। सबसे पहले ऑपरेशन, ऑपरेशन इनफाइनाइट टाइप से हो सकते हैं। फोर तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक डिवाइड वाला और एक मल्टीप्लाई वाला, ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। ये कैसे है? फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन का यूज करके हम कई सारे नए नए ऑपरेशन बना सकते हैं। जैसे हमने कहा, कोई दो एलिमेंट है, ये स्टार इज अ ऑपरेशन। आप कह रहे हैं कि स्टार कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ए प्लस बी से। किसी ने बोला नहीं सर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा ए माइनस बी से, किसी ने बोला नहीं सर मैं ऐसे डिफाइन करूंगा ए प्लस बी माइनस ए बी से, किसी ने बोला नहीं सर मैं ऐसे नहीं डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा ए डिवाइड बाई बी, जहाँ पे बी क्या हो, नॉन जीरो। किसी ने बोला सर मैं ऐसे करूंगा ए प्लस बी माइनस का ए स्क्वायर, किसी ने बोला नहीं सर मैं ऐसे करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, किसी ने बोला सर नहीं मैं ऐसे डिफाइन करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी ने बोला नहीं सर मैं डिफाइन करूंगा ए माइनस बी का होल क्यूब, किसी ने बोला नहीं सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिफाइन करूंगा, किसी ने बोला नहीं सर मैं ए प्लस बी माइनस ए बी का होल स्क्वायर डिफाइन करूंगा। तो यू कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, क्लियर। तो जो स्टार है ऑपरेशन है, इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, कितने भी आप बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको ऑपरेशन दिए जाएंगे और एक आपको सेट दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा दिस सेट सेट टू बी बाइनरी ग्रुप है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ग्रुप में बहुत सारी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, क्लियर। ओके चलो आ जाओ। अब सबसे पहली हेडिंग डालिए आप लोग, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ये व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बीओ लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन है मेरा, फंक्शन के बारे में आइडिया है, फंक्शन ये कहता है कि जैसे कोई सेट हमारा ए है, कोई सेट हमारे पास ए बी है, यहाँ पे हमने मैप डिफाइन की एफ, तो फंक्शन कहता है कि ईच एलिमेंट इन ए, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन ए, ए इन ए, देयर इज अ यूनिक, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन बी। ये वाला फंक्शन कहता है सर ये क्या है, मतलब दिस इज अ डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज अ को डोमेन ऑफ फंक्शन। कह रहा है डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज, इमेज यहां पे देखेंगे यूनिक होनी चाहिए कोडोमेन में। तो
उस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्लियर। डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए वो डोमेन में, तो उस वाले जो सेट बनते हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन की कैटेगराइजेशन है वन वन फंक्शन, आन टू फंक्शन। आई थिंक आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्टार्ट करूंगा, हो सकता है आज ही से स्टार्ट करूं, तो उसको फिर वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे फंक्शन वगैरह को। यहाँ पे फिलहाल समझ लो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में फंक्शन का यूज होगा, इसलिए हमने थोड़ा बता दिया कि दिस इज अ डोमेन, दिस इज अ कोडोमेन। डोमेन का हर एक मेंबर कोडोमेन से यूनिकली कनेक्ट हो, मतलब इसका हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे ऐसे कुछ हो जाए, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, यहाँ पे देखो एलिमेंट थ्री है, यहाँ पे एलिमेंट फोर है, तो जैसे ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, और फिर ये इससे कनेक्ट हो गया, अब ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि डोमेन के दो एलिमेंट सेम पॉइंट पे जाके मैच हो गए, तो इसको हम फंक्शन नहीं कर सकते। और इसके दो पॉइंट को छोड़ भी रहे, हर एक एलिमेंट से कनेक्ट होनी चाहिए और यूनिकली कनेक्ट होनी चाहिए, तब जाके उसको हम फंक्शन बताते, ठीक। तो ये ब्रीफ आइडिया हमने तुमको दिया कि व्हाट इज अ फंक्शन। अब चलो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बीओ, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ ए क्रॉस ए टू ए, मतलब एफ डिफाइन करो ए क्रॉस ए से ए पे। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया था, ए सेट है, दूसरा भी ए सेट है, तो एक मेंबर अगर हम ए से लेके आ रहे हैं, दूसरा भी मेंबर हमारा ए से है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कामा ए, ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर, इस तरीके से। तो कह रहा है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ ए क्रॉस ए टू ए, है ना, लिखो लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन डिफाइन डिफाइंड एफ ए क्रॉस ए टू ए सच डैट सच डैट सच डैट एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ओके, अभी ए वाला ए कामा बी हमारा ये जो है ए बिलोंग कर रहा है इस वाले ए से, कामा ये वाला जो बी बिलोंग कर रहा है इस वाले ए से, और ये जो इमेज आ रही है एफ सी ये भी हमारा कहाँ से आ रहा है, ये इस वाले ए से बिलोंग कर रही है, सी जो है वो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, और ये वाला जो एफ सी है, एफ सी टोटल हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, इस वाले ए सेट में, ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारे पास डोमेन, मतलब कोई फंक्शन डिफाइन किया जाए, परेशान नहीं होना, मैं अभी समझा दूंगा क्लियरली। अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया जाए ए क्रॉस ए से ए पे, तो कैसे डिफाइन, एफ ए कामा बी इज इक्वल टू एफ सी, ए बी हमारे ये वाला ए इससे आएगा, ये वाला बी इससे आएगा, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा ए क्रॉस ए से आएगा, यहाँ पे एफ सी हमारा इस वाले ए से आ रहा है ना, ये हमारा ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये ए क्रॉस ए, सॉरी, ये दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, थोड़ा जुकाम है ना इसलिए, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और इस तरीके से मैं फंक्शन को डिफाइन किया है, इसको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। सर ये आपने क्या खिचड़ी पका दी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ, परेशान ना हो। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मैंने डिफाइन किया एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ओके, और बाइनरी ऑपरेशन हमको डिफाइन करना है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, हमको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना, हमने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या ये बताओ, ये वाला जो ऑपरेशन डिफाइन किया है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इस नेचुरल नंबर पे डिफाइन करता है कि नहीं करता? अब कैसे दिखाना आपको, आपको लेने हैं दो एलिमेंट, और दो एलिमेंट इस वाले ऑपरेशन पे लगाने, और लगा के देखना है कि ये अगेन ए के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब जो फंक्शन दिखाया, फंक्शन अब कैसे बनाएंगे, ये तो हमारी ओरिजिनल वाली डेफिनेशन हो गई ना। अब यहाँ पे ए था, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट था, हमारे पास सेट क्या है, यन नेचुरल नंबर, आ जाओ यहाँ पे नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से एक हमने मैप बना दी, कैसी बनाई है, एफ ऑफ
ए स्टार बी इज इक्वल टू, कैसे बनाया हमने, ए प्लस बी, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू हमने कैसे बनाया है, ए प्लस बी। अब देखो ये वाला जो ए है हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, ये वाला जो बी है ये भी नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो कह रहा है ए नेचुरल नंबर से बी नेचुरल नंबर से जो इमेज आनी चाहिए सी, मान लो कोई सी इमेज आएगी वो भी हमारी कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, इस वाले कोडोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है। सर फिर नहीं समझ में आया मुझे, काहे परेशान। अब देखो कह रहा है ये वाला ऑपरेशन है भाई, कोई भी दो एलिमेंट यहां से ले लो, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे मैं चूज कर लेता हूँ 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 चूज किया, ऑपरेशन क्या है ए प्लस बी, तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 है ना, 3 प्लस 4। अब जरा इस पे यफ लगाओ, जरा ध्यान दो, यफ 3 स्टार 4, ये क्या आएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आएगा, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7। क्या 7 अगेन हमारा नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है, इस वाले नेचुरल नंबर का ये मेंबर नहीं है 7, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिफाइंस ऑन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल नंबर वाले सेट पे, है ना। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो ऑपरेशन है डिफाइंस बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइंस बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर और नॉट, समझ में आ गया या नहीं है, आ गया ना, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल ले सकते हो, इसमें से बहुत सारे एग्जांपल, यू हैव योर चॉइस, ओन चॉइस, है ना। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने इंटीजर नंबर का कलेक्शन ले लिया, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में क्या होता है 0 प्लस माइनस, इंटीजर नंबर क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ... ऐसा होता है, होता है। अब हमने इस पे डिफाइन कर दिया बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार, जैसे मैंने बाइनरी ऑपरेशन देखना है ना कैसे जाएगा ये, आप देखो ये लो, आप लोग सीखोगे, अप्लीकेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिफाइन किया ना, तो जेड क्रॉस जेड से डिफाइन किया जेड पे, क्योंकि हमने ओरिजिनल लिया था ए क्रॉस ए टू ए, तो आप ऐसा लिखो, लिखने से चीजें बहुत अच्छी होती है। अब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ ए स्टार बी, ए स्टार बी हम कह रहे हैं ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी। अब जहां पे ए बी की चॉइस कहां से है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहां पे, इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर है। अब ये वाला हमारा फंक्शन बना, अब जरा बताओ क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इस वाले सेट पे डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा, कि ये वाला टर्म, ये वाला जो हमने डिफाइन किया ये बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा। सर कैसे बताएं, अरे भैया कोई भी दो मेंबर उठा लो आप, यहाँ से जो मन में आया उठा लो। किसी ने कहा सर आप चलिए -1 लीजिए, ले लेते हैं यार। किसी ने कहा अरे सर आप चलिए 5 ले लीजिए, अरे ले लेते हैं, काहे परेशान। फिर कह रहे आप इसमें रखना है बस एफ माइनस वन स्टार फाइव इज इक्वल टू ए की जगह पे -1, बी की जगह पे 5, माइनस ए की जगह पे -1, बी की जगह पे आ गया हमारा 5, ए हो गया हमारा -1 प्लस हो गया 5। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डेट इज 5, 5 हो जाएगा 10, से 1 जाएगा क्या 9, क्या 9 अगेन हमारा एक इंटीजर नहीं, 9 अगेन हमारा इंटीजर नहीं। इसी तरीके से आप कोई भी दो मेंबर, कोई भी दो मेंबर लाओगे, अगर दो इंटीजर लेके आ रहे हो, ध्यान दो आप कोई भी दो इंटीजर, उनका सम अगेन इंटीजर होगा, उनका प्रोडक्ट अगेन इंटीजर होगा, तो उसके सम और उसके प्रोडक्ट का फिर से डिफरेंस करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा। जैसे अब यहाँ पे सोच लो, मैं ऐसे ही इसको समझा देता हूँ, ए स्टार बी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी, ये वाला इंटीजर है, ये वाला भी इंटीजर है, इसका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, इसका सम इंटीजर, ये टोटल इंटीजर होगा, तो इसका डिफरेंस भी तो टोटल इंटीजर ही होगा। तो क्या कहें, क्या समस्या है, तो ये पूरा का पूरा जेड के अंदर नहीं चला गया, जेड इसमें जाना चाहिए, कोडोमेन वाला जेड है ये, डोमेन वाला जेड क्रॉस जेड है, क्लियर। इसमें ऑर्डर्ड पेयर जैसी चीजें आई, समझ में आ गया। तो ये वाला सेट भी, ऑपरेशन भी इस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात, की बाइनरी ऑपरेशन से हम क्या समझना चाह रहे हैं तुमको। जैसे किसी ने बोला नहीं सर आप करिए आप रेशनल नंबर का सेट लीजिए, ये तो आसान थे, हम भी कर सकते हैं, चलो भैया ले लो। एक सेट हमने डिफाइन किया, सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसको मैं नाम देता हूं क्यू, कैसे पी बाई क्यू टाइप के मेंबर है उसके अंदर, जहां पी भी इंटीजर है क्यू भी इंटीजर है,
लेकिन क्यों से जीरो हमने बाहर कर दिया। देखो लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आई से हम जीरो माइनस करते हैं, डेट मीन्स इंटीजर से, मतलब सेट ऑफ इंटीजर होता है वहां से हम जीरो बाहर कर रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखा हो तो इसका, या फिर ऐसे, ये दो टाइप से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर से जीरो बाहर हो गए। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, ये हमारे रेशनल नंबर है। बचपन में डेफिनेशन पढ़ी है ना, क्यों नॉन जीरो, तो उसी के लिए इसको नॉन जीरो बना रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमने एक सेट डिफाइन किया, कैसे, हमको यफ, हमको बाइनरी ऑपरेशन देखना है तो आपको भी करना है। क्यू क्रॉस क्यू से एक फंक्शन डिफाइन किया क्यू पे। अब हमने क्या किया, यफ ए स्टार बी लिया, कैसे डिफाइन किया, ए बी डिवाइड बाई टू, ए वाला फंक्शन हमने डिफाइन किया। अब जरा बताओ कि ये वाला इस वाले सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है या नहीं करता। हजारों एग्जाम्पल है यार, आप भी बना सकते हो यार, इसमें एग्जाम्पल बनाने में क्या हो गया। अब बताइए कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइन करता है कि नहीं। डेफिनेशन का अप्लीकेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सीख गए ना तो ग्रुप में जो क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके आ जाओ बताओ। एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइन करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो कैसे, अगर नहीं करेगा तो कैसे, दोनों बातें आपको बतानी है। अब जरा ध्यान दो, कोई भी दो मेंबर ले लो भाई, किसी ने बोला सर एक इंटीजर ले लो, किसी ने बोला सर कोई 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो यार, कोई भी दो रेशनल नंबर लेके आओगे आप। और रेशनल नंबर मान लो 2 × 3 ले लिया, है ना, मान लो 2 ले लिया a बराबर, और किसी ने कहा b बराबर, सर आप -5 ले लीजिए। अब आप इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा ए बी बाई टू, है ना, दिया जाएगा हमारे 2 × -5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -5 -5/1, ये अगेन एक हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर, और फिर ये हमारा क्यों के अंदर जाएगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेगा। चेक करना समझ में आ गया कि और एग्जांपल लेने की जरूरत है, आई थिंक नहीं है, है ना। तो ये हमारे पास होता है बाइनरी ऑपरेशन, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद देखें क्या बताना है आपको। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे एक डेफिनेशन आती है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मतलब, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन जिसके पास होते हैं उसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया आर प्लस और डॉट, जैसे हमने कह दिया आर स्टार वन स्टार टू। अब स्टार वन स्टार टू कुछ अलग अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन जो रखता है उसको हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मतलब ऐसे बोलेंगे कि अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर, मैं देख लेता हूँ, non-empty set together one or more binary operation is called algebraic structure। इसके definition लिख लो, non-empty set, non-empty set together one or more binary operation, one or more binary operation is called, वन आर मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ा गए। जैसे ये एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी है प्लस डॉट ले लो, दूसरा ले लो नॉन एम्प्टी सेट जी है, आप यहाँ पे स्टार वन लिख लो स्टार टू लिख लो, इस तरीके से, मतलब एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन उसके पास है तो उसको हम बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब आते हैं ग्रुप की साइड में बढ़ते हैं, व्हाट इज ग्रुप, है ना। अब जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा तो बाइनरी ऑपरेशन में एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता हूँ, प्रॉपर्टी समथिंग, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी
आप लोगों ने खूब ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आज काम आएंगे सब। 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर्टी होती है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव है ना, कमिटेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे प्रॉपर्टी पहली हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। क्लोजर, क्लोजर क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि जैसे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और आप उसके कोई भी दो मेंबर उठाओ, कोई भी दो, एनी टू मेंबर है ना, ए बी, और उन पे आप ऑपरेशन लगाओ, जो भी ऑपरेशन दिया गया है, तो क्या वो ग्रुप बनाएगा? क्या वो ग्रुप बनाएगा? ग्रुप बोल रहे हैं, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? जैसे हमने ले लिया लेट, यहाँ पे लिख लो लेट ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, दैट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर मान लो कोई भी दो मेंबर ए के हैं, एनी ए भी, कोई भी दो मेंबर हमारे पास सेट्स हैं, दैट आप क्या करोगे, ए स्टार बी करोगे, वो अगेन एक नंबर सी आएगा, ए स्टार बी से जो भी ऑपरेशन डिफाइन होगा, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपने सीख लिया, एक अगेन नंबर सी आएगा, तो यह क्या सी फिर से उसी सेट के अंदर जाना चाहिए, ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर समझ में आया? कोई भी, वो कह रहा है कि कोई भी आप दो मेंबर लो, सेट के कोई भी दो मेंबर लो, जो आपका मर्जी हो, फिर क्या करो, ये जो ऑपरेशन डिफाइन है वो ऑपरेशन आप लगाओ, जो मेंबर सी है वो अगेन उसी सेट का मेंबर हो, देन हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी बात एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी कहती है कि जैसे ए बी सी अगर हमारे पास ए के मेंबर है, ए बी सी अगर ए में बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान दो, ए बी सी अगर हमारे ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमको क्या दिखाना होगा, ए स्टार बी पे ब्रैकेट लगा दो स्टार सी, विच इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस पे ब्रैकेट लगा दो, है ना, फॉर ऑल ए बी सी, हर ए बी सी के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हर एक ए बी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, जहां पे ए बी सी हमारा कहा जाएगा, ए के अंदर जाएगा। क्लियर? ये हो गया क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ। अब क्लोजर और एसोसिएटिव के बाद दो प्रॉपर्टी और आती है, एक आपका आइडेंटिटी आता है और एक आपका इनवर्स आता है। आइडेंटिटी हमारा ये कहता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना, आइडेंटिटी क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए खूब आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना, जीरो और वन, ओके। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये होती है ना कि जैसे चाहे जो ऑपरेशन डिफाइन हो और उस वाले ऑपरेशन पे, उस वाले ऑपरेशन पे अगर प्लस है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है तो डिवाइड करो, जो भी करना है वो आप करिए, अगर उस वाले नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब लेट, अगर लेट ए अगर हमारा ए का मेंबर है, नाउ अगर ए हमारे पास ए का मेंबर है, तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल, फॉर ऑल के लिए ऐसा क्या साइन होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच डेट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए, ऐसा आइडेंटिटी ये कहता है कि आइडेंटिटी, आप समझ लो ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे पूरा ग्रुप डिफाइन होगा। आइडेंटिटी ये कहता है कि आप कोई भी मेंबर लेके आओ उस वाले सेट से, जैसे ए हमारा जो भी सेट डिफाइन होगा उस वाले सेट से आप कोई भी मेंबर बार बार बाहर निकाल के आओ, कोई भी मेंबर लेके आओ, फॉर ऑल ए ने, तो कह रहा हर ए के कोई भी ए लेके आओ, जहां पे क्या हो ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार इज इक्वल टू ए, मतलब ए में चाहे ई का स्टार करो, स्टार इज ऑपरेशन, अगर प्लस है तो ए में ई प्लस करो या ई में ए प्लस करो, वो अगेन ए ही आना चाहिए, मतलब वही मेंबर आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। चौथा इनवर्स, एक ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज, ग्रुप को पढ़ने के लिए इन्हीं चार प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड ग्रुप,
नॉन एम्प्टी सेट अभी लिख देंगे, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स के लिए ये करेंगे, लेट जैसे ए कामा बी अगर हमारे किसी सेट के मेंबर, उसी सेट के मेंबर ए के है ना, ए कामा बी अगर हमारे ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, देन देन हमको इनवर्स कहना है ना, अगर ए को बी का इनवर्स कहना है, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे। अगर ए बी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और आसान तरीके से इसको कैसे बताया जाए, कि अगर ए और बी हमारे ए के मेंबर, ऐसे होता है, देखो यहाँ पे देखो हाइट कैलकुलेशन कर लिया करो, जैसे आइडेंटिटी के लिए तुमसे बोले ना, तो आइडेंटिटी के लिए तुमको सोचना है ए स्टार ई करने पे हमारा ए आना चाहिए आइडेंटिटी, और अगर इनवर्स के लिए बोले ना, तो जैसे ए स्टार यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए जो आइडेंटिटी आ जाए, मतलब ए स्टार जैसे मान लो बी, बी ए स्टार बी करने पे अगर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब दो नंबर्स पे ऑपरेशन को यूज करने पे हमारे पास आइडेंटिटी आता है, तो ये जो बी होता है ये ए का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, क्लियर। ये जो बी वाला टर्म हमारा होता है ये ए का क्या हो जाता है, इनवर्स होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी ए इन जी, फॉर एवरी ए इन जी देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसे लिखेंगे, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से लिखो, फॉर एवरी ए इन जी देयर एग्जिस्ट बी इन, फॉर एवरी जी में का हेल्यू है यार, हम ये लिए, फॉर एवरी ऐसे लिखो, फॉर एवरी ए इन ए देयर एग्जिस्ट बी इन ए सच डेट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होता है इनवर्स। सबको अलग अलग कराएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। जितने भी सेट के मेंबर हैं हर मेंबर के लिए एक बी आपको मिलना चाहिए जहां पे ए स्टार बी आइडेंटिटी हो, ए स्टार उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या जो भी ऑपरेशन डिफाइन होगा वो करने पे आइडेंटिटी दे, ऑपरेशन तो बाइनरी ऑपरेशन होगा ना, समझ के। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है कोई भी एलिमेंट आप ए से लेके आओ, कोई भी एलिमेंट, और ए स्टार ई करने पे हमेशा ये रहना चाहिए, ऑलवेज ये रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फाइव लेके आओ, सिक्स लेके आओ, तो उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करने पे वो फाइव या सिक्स ही रहे, क्लियर और नॉट। तो क्लोजर समझ में आ गया, क्लोजर क्या होता है कि कोई दो मेंबर लो, अब मैं ब्रीफली ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कोई दो मेंबर आपने लिए, वो दोनों मेंबर पे आपने क्या जो ऑपरेशन गिवन है लगाया, वो अगेन हमारा उसी मेंबर के अंदर चला जाना चाहिए। दूसरी बात एसोसिएटिविटी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी, ए बी स्टार स्टार, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ी होंगी, आइडेंटिटी भी पढ़ा होगा, इनवर्स भी पढ़ा होगा। कैसे, देखो अब ये वाली क्लियर हो गई है तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा ना, तो सारी चीजें समझ पाएंगी। हमारे पास सेट, पहला सेट नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। पहला हमें दिखाना है, यहां पे लिख लो, देन लिख लो यहां पे, इफ ए सेटिस्फाई, ए सेटिस्फाई एवर फोर प्रॉपर्टीज, फोर प्रॉपर्टी, देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड ग्रो, तब जाके हम ए को कहेंगे ग्रो, क्लियर ऑन, ठीक। अब जैसे एन लिया, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोज है, क्लोजर कहती है कि कोई भी आप ए, कोई भी है, फॉर एनी ए बी, कह रहा एनी, एनी बार बार लिखोगे प्रॉपर्टी ना तो याद हो जाएंगी, एनी ए कम बी बिलोंग्स टू, वहां पे एन था, वहां पे ए था, यहाँ पे एन है, एन तो हमने एन ले लिया, कोई भी ए बी जो कि एन में बिलोंग कर रहा है, और एन पे हमने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, एन प्लस ले लेते हैं, एन प्लस है ना, ये हमारा ऑपरेशन क्या है, प्लस, बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है प्लस, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या डिफाइन किया, प्लस, ठीक। एन प्लस को दिख रहे हैं कि ये हमारे पास फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं, अगर करेगा तो ये ग्रुप होगा, नहीं करेगा तो ग्रुप नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अगर कोई भी ये भी हमारा एन के अंदर जा रहा है, ठीक है, कोई भी ये भी, अब सोच लो भाई नेचुरल नंबर, अगर ए हमारे पास नेचुरल नंबर है, कोई भी ये भी एन के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका सम भी हमारा एन के कुछ आएगा, लाइक सी आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पकड़ लिया फोर, किसी ने पकड़ लिया फाइव, इनका सम नाइन है, अगेन नेचुरल नंबर रहता है, किसी ने पकड़ लिया सिक्स सेवन,
13 अगेन नेचुरल नंबर, किसी ने पकड़ लिया 10, 100, 110, 110 अगेन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अगर ए और बी हमारा नेचुरल नंबर है तो उनका सम भी एक नेचुरल नंबर होगा, डेट इज जो सी आएगा और सी हमारा अगेन नेचुरल नंबर में जाएगा तो क्लोजर सेटिस्फाइड, पहली प्रॉपर्टी ये क्या होगी क्लोजर सेटिस्फाइड, यहां से क्लोजर लिख दो। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, अगर एसोसिएटिव क्या थी, एसोसिएटिव क्या थी, याद करो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, ए स्टार बी स्टार सी ऐसा लिखता था कुछ, ये तो लिखा था एसोसिएटिव। तो जैसे मान लो ए बी सी कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास, ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लिखो ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी, ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो जरा ध्यान दो हमारे पास ऑपरेशन प्लस डिफाइन है, तो अगर उनका सम करेंगे तो भी तो नेचुरल नंबर आएगा, और ये एक नेचुरल नंबर मान लो सी आ गया, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जैसे वन और टू ले लिया, किसी ने वन लिया किसी ने टू लिया, प्लस सी, सी को थ्री लिया, वन टू का सम क्या आ गया थ्री, और थ्री में जब थ्री ऐड करोगे क्या आ जाएगा सिक्स, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल आ सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है वन प्लस बी, क्या है हमारे पास टू प्लस थ्री, जरा ध्यान दो टू और थ्री कितना हो गया फाइव, फाइव में वन ऐड करोगे सिक्स हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड। इसमें इक्वल देखना है, इसमें हर एक एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, फोर फाइव सिक्स सेवन ले लो, एट नाइन टेन इलेवन ले लो, कोई भी एलिमेंट अगर वो इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये वाला सम इस वाले सम के इक्वल है तो मेरा काम हो जाएगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी यहाँ पे याद कर लो, प्लस की आइडेंटिटी जीरो, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी वन होती है। अब देख लेते हैं कैसे आइडेंटिटी के लिए कहा था हमने तीसरा प्रॉपर्टी कि फॉर ऑल ए इन ए, फॉर ऑल ए इन, अगर वहां पे ये था यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लिखना है, समझ में आया। ये सिंबल होता है ये डंडा जो खींच देता हूँ, दिस इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी ए हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, कोई भी एनी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से क्या अप्लाई करेगा, हमको दिखाना है ए स्टार इज इक्वल टू हमारे पास ए आ जाए, है ना। तो अब देखो ए स्टार हमारे पास ऑपरेशन प्लस है, ई हमारे पास क्या है, क्या इसके अंदर नेचुरल नंबर में क्या हमारे पास जीरो प्लस ए, मतलब ई अगर जीरो होगा, ध्यान दो ई अगर जीरो होगा तभी तो नेचुरल नंबर ए, अगर हमारे पास ई जीरो होगा ना तभी तो हमारे पास ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आएगा, और जो अगेन हमारा किसमें बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, समझो भाई, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, अरे भाई साहब कोई भी एन लेके आओ, तेरा यहां से नेचुरल नंबर कोई भी उठा के ले आओ, ए स्टार ई करने पे अगेन ए आना चाहिए, तो ए ऑपरेशन है हमारे पास स्टार है प्लस, और ई जो हमारा वो जीरो है, ई जीरो नहीं है, ई को हम क्या ले लें जो ए आ जाए, ई को हम जीरो ही लेंगे तभी तो ए में जीरो प्लस करोगे तो ए आएगा ना। अगर ई को यहाँ पे मैं वन ले लेता हूँ, जैसे ए अगर यहाँ पे फाइव हो, यहाँ पे वन ले लो तो सिक्स नहीं हो जाएगा, फाइव कहाँ से आएगा ना, तो फाइव ही लाने के लिए ऑब्वियसली हमको क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। क्या अब ये वाला जीरो हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, क्या ये वाला जीरो हमारा इस नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है। अगर ये नेचुरल नंबर, ये जो आइडेंटिटी जीरो है, जीरो जीरो अगर इस वाले सेट में बिलोंग करे ना, तब जाके हम कह पाएंगे यहाँ पे आइडेंटिटी नॉट सेटिस्फाइड है ना। तो यहाँ पे लिखोगे दिस इंप्लाइज जीरो डस नॉट बिलोंग्स टू एन, सो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। अब जब थर्ड ही नहीं सेटिस्फाइड है तो फोर्थ सेटिस्फाइड कैसे हो सकती है, जब थर्ड सेटिस्फाइड नहीं तो फोर्थ सेटिस्फाइड कैसे हो सकती है। फोर्थ क्या थी, इनवर्स, इनवर्स क्या कहता था कि आप ए स्टार बी करने पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर के लिए एक बी हमको मिलना चाहिए जो ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी है, लाइक तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है प्लस, इन दोनों का सम आइडेंटिटी आना चाहिए। अब आइडेंटिटी का ही हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है तो इनवर्स तो वैसे ही गायब हो गया, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ना सेटिस्फाइड है ना। अब जब इसमें आइडेंटिटी ही नहीं तो हम क्या ही प्रूफ कर दें इसको, क्लियर और नॉट। तो ये वाला हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है जो ऑपरेशन एन प्लस है, क्या इस पर ग्रुप बनाएगा,
नहीं बना सकता, क्योंकि थर्ड वाली प्रॉपर्टी की नहीं सेटिस्फाई कर रहा। चार की चारों सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम उसके ग्रुप की बात करेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं कर सकते। क्लियर? ओके चलो दूसरा एग्जाम्पल। अभी मैं सिलो से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए ना। आगे देखो, फास्ट करते हैं अभी। दूसरा एग्जाम्पल लो, सेट ऑफ इंटीजर नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। ऑपरेशन हमने ले लिया z प्लस, ये वाला स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन हमने बता दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसको बताना, पहली प्रॉपर्टी क्लोज ऑफ हमको लेना है एनी ए बी, एनी ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। तो दिखाना है हमको ए प्लस बी। अच्छा, कोई भी ए बी यहां से उठाओगे, जो नंबर दिख रहे हैं इंटीजर में से उनका सम करोगे, एक इंटीजर है दूसरा इंटीजर है, इंटीजर का सम अगेन इंटीजर होता है, ये बात हमने बता दी है। तो ये कुछ सी आएगा और सी भी हमारा जेड के अंदर जाएगा, तो क्लोजर सेटिस्फाइड। आप चाहो तो एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, 0 प्लस 1 बनाएगा अगेन इंटीजर, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 आएगा अगेन इंटीजर, 2 प्लस 5 5 7 आएगा अगेन इंटीजर। क्लियर? दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव क्या इंटीजर पे एसोसिएटिव हमारा सेटिस्फाइड होगा, जरा ध्यान दो। जैसे हमने किया a प्लस बी, स्टार है ना, स्टार हमारे पास, स्टार हमारे पास यहाँ पे प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, क्या हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये हमको दिखाना। अब कोई एलिमेंट पकड़ लो लाइक माइनस वन प्लस टू, यहाँ पे माइनस थ्री, सी को माइनस थ्री पकड़ लिया, बी को टू पकड़ लिया, ए को माइनस वन पकड़ लिया। तो इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, वन आएगा माइनस थ्री डेट इज माइनस टू आ जाएगा। इधर करो, ये हमारा माइनस वन है प्लस टू, इधर माइनस टू थ्री है, ये हमारा माइनस वन आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस वन आएगा डेट इज माइनस टू आ जाएगा। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, और एग्जांपल लेके तुम देख सकते हो बार बार, है ना। तो ए बी सी कोई भी तीन मेंबर पकड़ोगे तो ये वाला जो सम है और ये वाला जो सम है एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एसोसिएटिव हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। कोई भी तीन मेंबर लाइक किसी ने जीरो ले लिया, माइनस वन ले लिया, प्लस यहाँ पे माइनस का टू ले लिया, किसी ने जीरो ले लिया माइनस वन माइनस का टू ले लिया, यह माइनस थ्री इधर हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस वन माइनस टू, ये भी माइनस थ्री हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा, कोई समस्या नहीं। क्लियर? एसोसिएटिव क्लियर, चलो एसोसिएटिव क्लियर। एसोसिएटिव के बाद थर्ड आती है हमारी आइडेंटिटी। देखो एग्जाम्पल जब तक चलेंगे तब तक मजा आएगा, एग्जाम्पल के बाद हमारे पास जब स्टार्ट होगा ना एडिशन मॉडुलो इंटीजर मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वगैरह और फिर इसकी थ्योरम जब आएंगी तब हालत टाइट होगी, परेशान ना हो, ज़्यादा नहीं टाइट होगी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो जब भी सेट बदलेगा जहाँ से मेंबर आ रहा होगा मैं वहाँ से ही लिखूंगा, इसमें आपको समस्या की करने की बात नहीं। कोई भी इंटीजर ए जेड में बिलोंग कर रहा है तो हमको दिखाना क्या है कि ए स्टार ई, हमेशा डेफिनेशन लिखना है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ए स्टार ई नहीं, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, ए हमारे पास यहाँ पे स्टार क्या है, ए प्लस ई इज इक्वल टू आना चाहिए। अब देखो क्या ऐसा कोई मेंबर इस इंटीजर में बिलोंग कर रहा है जो ई पे रख दो और ये ही आ जाए, जैसे जीरो बिलोंग कर रहा है, तो अगर ई को मैं जीरो से रिप्लेस कर दूं, अगर e को मैं जीरो से रिप्लेस कर दूं तो a प्लस जीरो हमेशा ही आ जाएगा फॉर ऑल के लिए, है ना। तो यहां से ये इंप्लाई किया e इज इक्वल टू इज नथिंग बट डेट इज जीरो, और ये जीरो हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, z में। तो आइडेंटिटी सेटिस्फाइड क्लियर और नॉट, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, बोलिए बोलिए जल्दी, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड। ओके, कोई भी मेंबर आप z से लाओगे a स्टार इज इक्वल टू a आ जाएगा, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आएगा, इम्प्लाई करेगा इज इक्वल टू जीरो जो कि जेड का मेंबर हमारा हो रहा है, तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो, कोई भी मेंबर लाओगे जीरो में ऐड करोगे तो वही मेंबर, थ्री प्लस जीरो जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो जीरो, अरे माइनस थ्री प्लस जीरो जीरो होता है, माइनस थ्री प्लस जीरो माइनस थ्री होता है जो कि हमारा सेट के मेंबर है। क्लियर?
ओके नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ नंबर, इनवर्स। इनवर्स क्या होगा? इनवर्स में हमने कहा था कि ए स्टार ऐसे फॉर ऑल ए इन सेट देयर एग्जिस्ट बी इन सेट सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कह रहा कि हर एक मेंबर जो जेड में, जेड के हर एक मेंबर के लिए एक बी उसी जेड में मिलना चाहिए जिसके लिए ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी हो जाए। मतलब लैंग्वेस्टिक को लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमारे पास ऑपरेशन क्या है? प्लस का। आइडेंटिटी क्या है? जीरो। इस पे बात करते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर ए प्लस बी जीरो है तो यहां से हमारा क्या जाएगा? बी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? माइनस ऑफ ए। तो अगर इस वाले केस में बी की जगह पे हम माइनस ऑफ ए लिखते हैं, अगर इस वाले केस में बी की जगह पे हम माइनस ऑफ ए लिखते हैं तो ये हमेशा आइडेंटिटी देगा। अगर हम बी की जगह पे माइनस ऑफ ए लिखते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी देगा। ये माइनस ऑफ ए हमारा जेड का मेंबर है, इंटीजर का नहीं है। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल उठाइए भाई। यहाँ सब थ्री थ्री ले लो, थ्री का इनवर्स क्या होता है? छोटी क्लासों में पढ़ा होगा माइनस थ्री होता है, तो वही तो है। माइनस थ्री करोगे तो थ्री में जब माइनस थ्री प्लस करोगे आइडेंटिटी नहीं आ जाएगा, जीरो। तो ऐसे है, देखो कि हर एक एलिमेंट जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके करस्पॉन्डिंग सारे नेगेटिव इंटीजर बैठे हुए हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, सारे हमारे सेट के अंदर है, तो सारा का इनवर्स पता चल गया। डेट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट स्ट्रक्चर जेड कामा प्लस फॉर्म्स अ ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप। हमारा जो सर है वो वेस्ट बंगाल का है, वो डेट मीन्स बोलता है, इसलिए हम भी डेट मीन्स बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि जिससे मैंने पढ़ा है। तो ये समझ में आ गई बात या नहीं? क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोगों को बहुत ज्ञान होता है यार, मैं तुमको बताऊं, बहुत ज़्यादा, इतने टैलेंटेड होते हैं। इनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके की भाषा उनसे निकलती है। डेट मीन्स वो भोजपुरी भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोल देते हैं, और बंगाली में जब बात करते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल, लेकिन मज़ा बहुत आता है। दे है इनवर्स फॉर ऑल ए इन सेट देयर एग्जिस्ट बी इन जेड सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? तो जेड प्लस हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला एग्जाम्पल अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और बताया जाए। ओके आ जाओ। अब हमारा दूसरा लेते हैं स्ट्रक्चर, तीसरा। अब थोड़ा जल्दी बात, क्यू प्लस, यहाँ पे क्यू क्या है? रेशनल नंबर का सेट है। यहाँ पे पी बिलोंग कर रहा है इंटीजर में और क्यू बिलोंग कर रहा है आई से जीरो माइनस को, है ना? अब बताना है दिस इज ग्रुप और नॉट। थोड़ा मुझे वार्निंग की नीड है। ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, कैसे बताएं? वही काम करने, पहला क्लोजर क्या हम सही लिख रहे हैं कि अगर कोई दो मेंबर हमारे रेशनल नंबर के हैं ए बी, हमारा प्लस ऑपरेशन, तो क्या उनका सम भी रेशनल नंबर आएगा? एक सी आएगा, तो रेशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा? दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है या नहीं, बोलो। एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, आप खुद सोचो, बहुत हो गया एग्जांपल। अब दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, बताइए जल्दी से। दो रेशनल नंबर का सम इज
अगेन रेशनल नंबर और नॉट होगा, ठीक है क्लियर। चल दूसरे बात, एसोसिएटिव, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही लिखोगे करके तो काम हो जाएगा, आप अच्छा सीख जाओगे। देन क्या हमने सही लिखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोलो। अब सही है क्या, कोई दो रेशनल नंबर का सम इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा बताइए, एसोसिएटिविटी। आप कोई भी तीन मेंबर लेके आओगे चेक करोगे हो जाएगा, है ना। मैं इस पे भी अब ज्यादा काम नहीं कर रहा, ठीक है। आइडेंटिटी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, देन क्या ये ऐसा होगा ए स्टार इज इक्वल टू ए, ए हमारे पास प्लस यहाँ पे ई, हम क्या लें जो ए ही आ जाए। ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्टार इज इक्वल टू ए आना चाहिए, मतलब मतलब ई को हम क्या लें, ए प्लस समथिंग क्या लें जो हमारा ए ही आ जाए, बताओ। आइडेंटिटी हम क्या लें यहाँ पे, जीरो हमारे पास रेशनल नंबर होता है, जीरो अपॉन वन रेशनल नंबर होता है, तो मैं जीरो ले लूँ तो काम चल जाएगा, जीरो हमारा मेंबर है इसका, और ए जब आएगा आप कोई भी नंबर लगाओगे उसका सम करोगे रेशनल नंबर का तो हमारे पास ए ही आएगा, तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। बताइए क्लियर और नॉट, क्लियर 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 या फिर नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। फोर्थ नंबर आ जाओ, इनवर्स, क्या कहते हैं डेफिनेशन, फॉर ऑल ए इन क्यू देयर एग्जिस्ट बी इन क्यू सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। स्टार हमारे पास क्या है प्लस आना चाहिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है जीरो, तो यहां से बी हो गया माइनस ऑफ ए, बी हो गया हमारे पास माइनस ऑफ ए। कोई दो रेशनल नंबर लेने हैं और दोनों रेशनल नंबर का इनवर्स उसका नेगेटिव होगा, हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो उसका इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर तो उसमें आएगा, नेगेटिव भी जितने इंटीजर पॉजिटिव होते हैं वही नेगेटिव इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, तो ये वाली बात भी सेटिस्फाइड। मतलब अगर ए प्लस माइनस ए बी को लिख दूं तो जीरो नहीं आ जाएगा, यही तो बात ये कह रहा है, तो इनवर्स भी सेटिस्फाइड। तो यहाँ से पता क्या चला, डेट स्ट्रक्चर कौन सा क्यू प्लस फॉर्म सा ग्रुप, आपको पता चला कि नहीं, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, बोलिए बोलिए, ठीक है। एच डब्ल्यू शेप्ड ऑफ नेचुरल नंबर माइनस पे चेक करो, इंटीजर नंबर माइनस पे चेक करो, रेशनल नंबर माइनस पे चेक करो, नेचुरल नंबर क्रॉस पे चेक करो, इंटीजर नंबर क्रॉस पे चेक करो, रेशनल नंबर क्रॉस पे चेक करो, नेक्स्ट क्यू स्टार क्रॉस पे चेक करो। क्यू स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है क्यू से जीरो एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, इसमें जीरो नहीं है बाकी सारे एलिमेंट हैं, ठीक है चेक करो। और भी एग्जाम्पल दे दूं क्या, जेड एन डब्ल्यू ले लो, डब्ल्यू होल नंबर प्लस पे चेक करो, डब्ल्यू माइनस पे चेक करो, ये आपके होमवर्क है, इसमें से करना, इसमें से कुछ हम कराएंगे बाकी आपको ही करना पड़ेगा, तीन चार हमने करा दिया, यही सेम प्रोसेस है। इसके बाद हम कल जो आएंगे दो बताते हैं डिस्कस करेंगे आपसे, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केलियंस फोर ग्रुप और क्वार्टरनियन ग्रुप, चार पांच सात ग्रुप बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।